अक्सर ऐसा होता है कि जो दिल के साफ और सच्चे होते हैं वो दूसरों के लिए कभी अंदर से गलत सोच नहीं रखते। वो यही सोचकर दूसरों के लिए भी काम करते हैं कि उनका हमेशा अच्छा ही हो, और अपनी तरफ से वो पूरे ईमानदारी और सही सोच से ही करते हैं। लेकिन लाख कोशिश के बाद भी कुछ लोग ऐसे लोगों पर उंगली उठाने का काम करते ही हैं। तब आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन आती है, तब अगर आप अपनी सफाई उनके सामने रखते हैं तब भी आप उनकी नज़र में बुरे ही बनते हैं, क्योंकि वो लोग आपकी बातों पर यकीन ही नहीं करते। इसलिए आपको समय का इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए। अगर आप सही हैं तो आपका जवाब समय उन्हें ज़रूर दे देगा। आज के समय में लोग जल्दी उन पर ही उंगली उठाने का काम करते हैं जो शांत, सच्चे और सच में साफ होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप सफ़ेद कपड़े पहनकर कोयले की खान में जाएं, तो आप कितना भी कोयले से बचें लेकिन कहीं ना कहीं कोयला आपके ज़रूर लग जाएगा। इसलिए ऐसी सिचुएशन में आपको खुद पर यकीन और समय का इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई आपको दोषी ठहराने में लगा हुआ है तो आप उसको गलत साबित नहीं कर पाते और खुद आप सबकी नज़रों में उल्टा बुरा बन जाते हैं। लेकिन समय ऐसा जज है जो ऐसे लोगों को बहुत ही अच्छा सबक सिखा ही देता है, और उनकी सच्चाई लोगों तक आने में देरी नहीं लगती, क्योंकि झूठी चालें ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। उनकी सच्चाई एक न एक दिन सबके सामने ज़रूर आती है। ऊपर वाले पर विश्वास करें और खुद को अंदर से वैसे ही रखें जैसे आप अभी तक थे। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अब मैं अतुल इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।